आज हम क्या सीखेंगे? मल्टीप्लिकेशन। वो भी सर हमने सीखा था ना 4 × 3 का, 4 × 3 का मल्टीप्लिकेशन। आज हम सीखेंगे 4 × 4 डिजिट का, ठीक है। मान लो यहाँ पे 2, 3, 4, 1 है, ठीक, और हमें मल्टीप्लाई करना है 2, 3, 2, 1, ठीक। अब मैंने बताया था किसी भी संख्या में एक से गुणा करने पे क्या आता है? वही संख्या यानी इटसेल्फ आता है। कौन आता है? इटसेल्फ मतलब जो संख्या से गुणा करेंगे वही संख्या आ जाएगी। अब देखो पहली संख्या इसमें क्या है? एक। एक का गुणा करेंगे ऊपर वाले में चारों संख्याओं, ठीक है, इस तरह पूरी संख्या में एक का गुणा करेंगे, ठीक है। एक से गुणा करोगे एक में कितना आएगा? एक। एक का गुणा चार में करोगे कितना आएगा? चार। एक का गुणा तीन में करोगे? एक का गुणा दो में करोगे? ठीक है, ये तो आसान था, हो गया। अब देखो दो का गुणा जब हम एक में करेंगे तो कितना आएगा? टू। तो हम क्या करते हैं? एक संख्या छोड़ के लिखते हैं, ठीक है। तो दो चौके कितना होगा? दो का चार में गुणा करो कितना आएगा? एक। एक, ठीक है। फिर टू का थ्री में मल्टीप्लाई करोगे? फोर। सिक्स, ठीक है। टू का टू में मल्टीप्लाई करोगे? अब देखो थ्री बचा, थ्री और टू, तो थ्री का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। थ्री का मल्टीप्लाई वन में करोगे कितना आएगा? थ्री। थ्री, एक संख्या फिर छोड़ के लिखेंगे। फिर थ्री का फोर में मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? ट्वेल्व। ट्वेल्व का टू हम जो है यहाँ लिखते हैं, वन हमारा कैरी ओवर आता है, ठीक है। उसके बाद थ्री थ्री का कितना होगा? नाइन। नाइन और वन टेन। टेन, टेन का जीरो हम यहाँ लिखते हैं, वन हमारा क्या होगा? हासिल, ठीक है। फिर थ्री टू या कितना होगा? सिक्स। सिक्स वन सेवन, ठीक है। अब तीन हो गए, एक का गुणा कर लिया, दो का गुणा कर लिया, फिर तीन का गुणा कर लिया, फिर हमें किसका गुणा करना है? दो का। फिर चौथे स्टेप में जाओगे तो दो का गुणा एक में करोगे कितना आएगा? दो। दो, लेकिन हम एक स्थान छोड़ के लेते, ठीक है। फिर दो चौके आठ। आठ, फिर दो दियाए छह। फिर दो दूनी चार। चार, अभी हो गया। हमें क्या करना है? इसको जोड़ना है। जोड़ना है। अब जोड़ेंगे कैसे? एक के नीचे कुछ नहीं है, एक हम ऐसे उतार लेंगे। चार और दो कितना होता है? छह। आठ तीन कितना हुआ? ग्यारह। ग्यारह तीन चौदह। चौदह के चार हासिल आया एक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे छह चार दस दो बारह और एक हासिल कितना आएगा? तेरह। तेरह का तीन हासिल आया एक। फिर आठ चार बारह, बारह एक तेरह, तेरह के तीन हासिल आया एक। सात छह ग्यारह, सात छह बारह तेरह, तेरह तेरह और एक इसमें बचा था ना? यस सर। तो क्या हो जाएगा? चौदह। चौदह, चौदह के चार हासिल आया एक, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो चार एक पाँच। आ गया समझ में? आया समझ में? ठीक है, ऐसे ही हम फोर डिजिट का भी करेंगे। बस हमें ध्यान रखना है हम जिस भी स्टेप में करेंगे एक एक संख्या छोड़ के लिखेंगे, ठीक है। एक एक संख्या क्या करेंगे? जैसे देखो यहाँ एक संख्या छोड़ा है, वन के नीचे कुछ नहीं लिखा, फिर जब ये लिखना था तो टू के नीचे कुछ नहीं लिखा, फिर यहाँ लिखना था तो थ्री के नीचे कुछ नहीं लिखा, है ना। तो जब भी हम चार डिजिट का गुणा, तीन डिजिट का, दो डिजिट का गुणा करेंगे तो हम एक संख्या क्या करेंगे? छोड़ के लिखेंगे, ठीक है।